कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज क्लास नाइन्थ का जो टॉपिक आपका सेकंड टॉपिक है पॉलिनोमियल बहुपद, ठीक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल बहुपद। तो सबसे पहले इसमें बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तब चल के इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो में बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बहुपद में, यदि बहुपद को पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे चर और अचर के बारे में समझना होगा, ठीक है। चर और अचर क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं चर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो चर क्या होते हैं? किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है तथा इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे एक्स वाई जेड डॉट डॉट, ठीक है। और यदि मैं समीकरण में बात करूं, जैसे कोई भी समीकरण लिख दी जाती है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिखा 3x + 4 = 0 में, यदि बात की जाए तो एक्स आपका एक चर है, ठीक है। एक्स आपका इसमें क्या है? चर है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करें अचर की, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं। इसे सामान्यतः अक्षरों, ठीक है, ए बी सी आदि से प्रकट करते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी गिनतियां होती हैं, वो सब हमारी क्या कहलाती है? अचर, ठीक है। तो जैसे ए बी सी हमने लिखा, तो ये हमेशा अचर राशि में कहीं कहीं पर समीकरण में आपको मानक रूप में लिखी हुई मिलती हैं, ठीक है। इसलिए इनको यहाँ पर बताया गया कि अचर राशियाँ को मानक रूप में इस तरीके से भी लिखा जाता है, और बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी गिनतियाँ होती हैं, ये आपकी अचर होती हैं। और पाई भी आपकी क्या है? एक अचर राशि है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बीजीय व्यंजक, जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? एक बीजीय व्यंजक अक्षर संख्याओं का संगठन होता है, ठीक है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई गुणा भाग द्वारा संयुक्त होता है, ठीक है। इन संकेतों द्वारा, इन चिन्हों द्वारा, ठीक है, क्या होता है? जो भी चर और अचर होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे x प्लस टू, ठीक है, ये आपका एक बीजीय व्यंजक हो गया। y माइनस वन अपान वाई, ये भी आपका एक क्या है? बीजीय व्यंजक है। और t गुणे अंडर रूट दो, ये भी आपका क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। आगे देखते हैं u भागे वन अपान वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यदि बात करें, ठीक है, और इस तरीके से एक बीजीय व्यंजक ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² + 4x + 5। तो इस तरीके से आप जितने भी टर्म लिख सकते हैं, ये सब आपके बीजीय व्यंजक कहलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी बीजीय व्यंजक को लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब यदि एक चीज़ और हम ध्यान दें, यहाँ से हम लोग यदि बात करें अचर इंटू चर, ठीक है, मिला दिया जाता है तो ये आपका बन जाता है बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो इस प्रकार आपका, जैसे हम अचर 3 × x², तो ये आपका मिलके हो जाएगा 3x², ठीक है। तो इस तरीके से भी बीजीय व्यंजक लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो आपका टॉपिक है बहुपद, ठीक है। बहुपद जिसको इंग्लिश में हम लोग नाम कहते हैं पॉलीनोमियल्स, ठीक है, मेन टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इस बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिनके प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या अर्थात 75 पूर्णांक होती है, बहुपद कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों को बताया गया एक पूर्ण संख्या, चर की घात एक क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, जिसे या 75 पूर्णांक। अब पूर्ण संख्याओं को आपको बताया गया होगा, मैं बात कर लेता हूँ पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या आपकी जैसे 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ठीक है। इन्हें हम लोग, और यहाँ पर शब्द लिखा है 75 पूर्णांक। तो 75 पूर्णांक का मतलब जो ऋणात्मक ना हो, मतलब पूर्णांकों का ऐसा समूह जो ऋणात्मक ना हो, 75 पूर्णांक का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं देखूँ तो पूर्ण संख्याएं ही होती हैं, तो इसको पूर्ण संख्याएं कहें या इसको हम लोग 75 पूर्णांक कहें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये होता है कि अब आगे हम लोग समझाते हैं, आगे समझते हैं। सामान्यतया चर एक्स में बहुपद को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है, कह सकते हैं बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप है ये, इसको हम लोग कह सकते हैं मानक रूप, ठीक। या व्यापक रूप वही होता है जो px = a0x^n + a1x^n-1 + a2x^n-2 + .a n-1 × x, ठीक है। यहाँ x की पावर क्या होगी? 1 होगी, ठीक है, और प्लस a n, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर 0 हो जाती है, जिसका मान क्या हो जाता है? 1। तो इसलिए x को यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट n वा पद आ गया, ठीक है। जहाँ पर हम लोग बात करते हैं a0, a1, a2, .an, ठीक है, ये आपकी वास्तविक संख्याएं तथा a n कभी भी 0
नहीं हो सकता है और एन आपका एक ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। ठीक है, इस तरीके से एन आपका एक क्या होता है, ऋणोत्तर पूर्णांक। जैसे हमने बताया ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब जो ऋणात्मक ना हो, ठीक है, मतलब जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो और धनात्मक वाली सभी संख्या हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन माइनस की संख्या आपकी नहीं होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बहुपद जैसे क्या होता है, बहुपदों को हम लोग जी एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स इत्यादि तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे हमने एक बहुपद लिखा पी एक्स, ठीक है, जो पी एक्स लिखा ये क्या है, जैसे टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस बहुपद को लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं चर जो है, जो भी चर है, जैसे यहाँ पर चर एक्स है, तो इसकी घात एक पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या में जीरो, वन, टू, थ्री, डॉट डॉट आधी संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन माइनस वाली नहीं हो सकती, तो इस वजह से ये बहुपद हुआ। यहाँ पर देखते हैं अंडर रूट टू, सॉरी अंडर रूट थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस फोर एक्स माइनस अंडर रूट सेवन। तो इस तरीके से यहाँ भी चर x है और इसकी घात एक पूर्ण संख्या, इसलिए ये भी एक बहुपद है। लेकिन हम लोग यहाँ बात करते हैं y माइनस वन अपान वाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये देखा जाए तो यहाँ पर y की घात क्या है, माइनस वन आ गई। ठीक है, अपान y, तो ये y की घात ऊपर जाएगी तो ये माइनस एक हो जाएगी, तो ये माइनस एक, एक क्या है, ऋणात्मक संख्या है, इसलिए आपका ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं x की पावर थ्री माइनस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस फोर। ठीक है, ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ से x की पावर थ्री माइनस एक्स और इस x की घात कितनी हो जाएगी, इस x की घात एक बटा दो, अंडर रूट का मतलब ही होता है, आपको पहले टॉपिक में बताया गया, पावर में वन बाई टू और प्लस फोर, इसलिए क्या हुआ एक बटा दो, ये क्या है आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपदों को जी एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स से प्रदर्शित करते हैं और बहुपदों को चर की घातों को अवरोही या आरोही क्रम में लिखा जाता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। एग्जाम्पल में देखते हैं, देखो ये किस क्रम में है, घटते हुए क्रम में, तो इसको हम लोग अवरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, टू एक्स की पावर दो माइनस एक्स की पावर वन प्लस थ्री। ठीक है, और यहाँ x की पावर जीरो, तो चर की घातों के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, तो बहुपदों को लिखने का मानक रूप यही होता है, अवरोही क्रम में लिखना ज़्यादा उचित माना जाता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर एग्जांपल आपके अवरोही क्रम में ही लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।